नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल सक्षम युवाओं के लिए है। जिन सक्षम युवाओं को अपनी आईडी खोलने में दिक्कत आ रही है, जिनको एरर 404 वगैरह जो भी प्रॉब्लम आपकी आईडी खोलने में आ रही है, उसी का समाधान इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए समाधान जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप कर पाएंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। स्टेप टू स्टेप मैं आपको स्क्रीन शेयर के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना वक्त गवाए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसके अंदर आपको दो स्टेप बताऊंगा, उनसे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। आप क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं तो क्रोम को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मिनी यूसी ब्राउज़र को यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ यूसी मिनी का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यूसी ब्राउज़र ओपन किया है, आप क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यूसी यूज करेंगे तो नीचे बीच में आपको थ्री डॉट मिलेंगे और क्रोम के अंदर ऊपर थ्री डॉट मिलेंगे। आपको उस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इनकॉग्निटो नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में लिखना है सक्षम योजना। यहाँ पर सक्षम योजना लिखेंगे और आप इनकी जो साइट है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप साइट पर करेंगे, यहाँ तक तो आप कर ही लेते होंगे। यहाँ आने के बाद आपको अगर ऑटोफिल मिलता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो आपको उसको पूरे को हटा देना है और दोबारा से मैन्युअली आपको वहाँ पर टाइप करना है। मैं यहाँ पर अपना टाइप कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। आपको अपनी क्वालिफिकेशन, पीजी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन जो भी है वो डाल देनी है, उसके बाद ओके करना है और ये कैप्चा फिल करेंगे हम। और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप इसको रीसेट, कैंसिल या एड डिटेल नहीं करना है, आपको ऊपर वाले इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे, आपकी साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप सक्षम युवा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस, सबमिट रिपोर्टिंग, मार्केट टेंडर जो भी है, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये मेरा स्टेटस आपके सामने ओपन हो चुका है। अगर आपका इस तरह से नहीं होता है तो आपको एक काम और करना है, आपको दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। आपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे ऐप्स में जाएंगे। आपके मोबाइल में कहीं पर भी मिल सकती है सेटिंग, मेरे वाले में ये आपको दिखाई दे रही है ऐप्स। अब आप ऐप्स पर करेंगे और मैनेज ऐप्स पर जाके यहाँ से आप जो भी ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसको सर्च करेंगे, या आप सीधा भी लिस्ट के अंदर ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने यूसी मिनी का उपयोग किया था, वैसे ही आपका अगर क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम टाइप करेंगे, यूसी मिनी, ये यूसी मिनी आपके सामने आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्लियर डाटा, क्लियर डाटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा, क्लियर ऑल डाटा पर करेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार इसका सारा डाटा है वो क्लियर हो जाएगा और आप दोबारा अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये एकदम फ्रेश और नए की तरह होगा और एग्री एंड एंटर करके आप दोबारा से उसी तरह उसी प्रोसीजर में जाकर दोबारा से देख सकते हैं, आपकी आईडी ज़रूर खुल जाएगी। अगर फिर भी नहीं खुलती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।